ये यही आता है, इनमें जैसे ही बड़ा होता है नाक का नथिया। और सबसे खूबसूरत ये मेरा कमर धनी जो कि हम एक बार पहन चुके हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तभी सुबह के बज रहे हैं 7 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही सुंदर सा चीज़ दिखाने वाले हैं, और वो चीज़ कहाँ से आया है, किसने भेजा है, वो सारे आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगा। उससे पहले अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी चलते हैं आप सबको अपने खेतों का सैर कराते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को हमारे खेतों में जाना अच्छा लगता है, यानी हमारा छोटा सा बगीचा। तो चलिए, कुछ सब्जियां तोड़ना है हमें और आप सबको दिखाना है कि हमने अपने खेतों में क्या क्या सब्जियां लगाया है। और हमसे पहले तो हमारे पतिदेव जी पहुँच गए हैं और आज सुबह सुबह वो नहा लिए, उनको जोरों की आज भूख लगी थी, तो फटाफट से सुबह नहा धोकर पूजा पाठ कर ली है और अभी हम नहीं किए हैं। और मौसम अभी बहुत ही फ्रेश है, ये देखिए। क्या जी बोल रहे ना? हाँ जी, फल दे रहा है यार, देखिए ना, फल लग रहा है इसमें। ओ, हाथ से नहीं लगाइए ना, हाथ से नहीं लगाइए, उपाय करना पड़ेगा, कुछ झाली वाली कुछ लगाना पड़ेगा। कुछ देखिए ना, इधर फल फूल भी लग रहे हैं ना, तो फल दे रहा है ना। यहाँ भी देखिए, ये देखिए, कहाँ दिख गया आपको? ये देखिए, अब हाथ से लगा रहे, हाथ नहीं लगाइए, देखिए यहाँ पे 3-4। हाँ, देख ली, ठीक है, चलिए हो गया। अब इसका उपाय करना पड़ेगा। क्या इसको में कुछ लगाएंगे? मतलब लकड़ी लगा दीजिए ना, अच्छा लगेगा, ठीक जाएगा, क्योंकि करेला खाना चाहिए। आप सबको पता है कि ना, करेला में कितना अच्छा है। नेनुआ आपका बुढ़ा है, कहीं तोड़ते हैं? हाँ, तोड़ दीजिए ना तो। अच्छा जी, आज ही आप स्वागत कर दीजिए। बुढ़ाया नहीं है, एक हाथ का हो गया। हाँ, तोड़िए, आधा किलो का हो गया। हाँ, एक दिन ना ऐसा फूल का भी ना पकौड़ा बनाना है। आप सब बताइएगा कि आप सबको पसंद है कि नहीं फूल का पकौड़ा। और ये भी थोड़ा सा ना देखिए ना, हल्का सा खराब हो रहा है, रहने दीजिए, ये बड़ा नहीं होगा, लेकिन रहने दीजिए ना, अभी है बहुत छोटा है अभी, ये वो काफी नहीं। तो हमारे खेतों से निकला, ये बोदी भी तोड़ना है जी। आते हैं बटुआ लेकर, फिर मिलकर तोड़ते हैं बोदी। हाँ, बोदी तोड़ना है, दोनों मिक्स सब्जी बनाएंगे, मिक्स अच्छा लगेगा खाने में, बहुत टेस्टी लगेगा, यम्मी लगेगा खाने में। तो तोड़ लेते हैं ना, हाथ में क्या दिक्कत है, आपका हाथ में आ जाएगा सब थोड़ी। तो आज इनको बहुत मन कर रहा है अपने हाथों से तोड़ने के लिए, क्योंकि हर बार तो सिर्फ हम ही तोड़ते हैं, और हमसे ज्यादा ना ये खुश रहते हैं घर की सब्जियां तोड़ने में, क्योंकि ये खुद इतना मेहनत करते हैं इसके प्रति, सुबह शाम पानी पटाना, हर रोज का काम उनको करना पड़ता है। माई बेटा क्या करते हैं, ये सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और है? हाँ जी, नीचे भी है। बुढ़ा गया यार। बुढ़ाया नहीं है, इसको बुढ़ाया नहीं कहते हैं। अरे वही हुआ, इधर भी है, नीचे भी देखिए। और हाँ, अभी वो सोए हैं। और हाँ दोस्तों, आप सब एक ही बार बार कमेंट करते हो कि रोज का रोज खेत दिखाती है बस, और कुछ काम नहीं है। तो दोस्तों, जो हमारे लाइफ में घटित होता है, जो हम साथ में रहते हैं और जो भी हमारा साथ होता है, वो ही चीज दिखाते हैं हम सभी है। कोई भी आपको फेक नहीं दिखाते, आप सब देखे भी होंगे, हर चीज हम शेयर करते हैं आपके साथ। पर फिर भी चलिए, छोड़िए, जो लोग सोचते हैं हमारे बारे में, उनकी सोच पे तो हम पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। इधर फल में नहीं, क्या बोल दिया जी, आगे फल है, चलिए बोलिए। यहाँ देखिए ना, यहाँ तोड़िए, ये बोला। हाँ, और है? हाँ, नीचे भी है, ये देखिए, बहुत कम फल दिया लेकिन इस बार। नहीं, कहते हैं ना ये जेठुआ है, तो जेठुआ थोड़ा सा ही फलता, ज्यादा नहीं फलता है, मतलब फला तो फला तो गया गया। इनके ये भी फूल देने लगा यार। हाँ, ये भी फलेंगे, इनके हाथों में आ गया बोदी, अभी इतना बिना तो खाद वाला बोदी और नेनुआ, तो बेचारे फटाफट सब्जी बना लेते हैं हम लोग। सब्जी और रोटी बना दो, नाश्ता हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो और उसके बाद नहा धोकर आप सबको दिखाएंगे वो सारा चीज, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है, आप सबको भी पसंद आएगा। तो वीडियो में बने रहिए, और जो भी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लीजिए, चैनल पर जो नया है सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी किचन में छना रहा है फ्लोरी, इसको बोलते हैं चरौरी। अब फ्लोरी कौन सा होता है? फ्लोरी नहीं पता नहीं। वाह, एकदम रंगीन दिख रहा है ना, फूल का बड़ा बड़ा हो गया। हाँ। और इधर कुछ छान के रखे हुए हैं, सोच रहे हैं कि थोड़ा डाल देते हैं, बनाते हैं, बहुत दिन से ला के रखे थे, और बाबू को ही पसंद है, आपको ही पसंद है, अच्छा लगता है, चावल का रहता है ना, अरवा चावल का रहता है। अब ये रहा आपका चिप्स, ये तो घर ही सुखा के बना देते हैं, दोनों में घर ही बना है। बाप रे, पूरा एकदम गर्म हो गया है,
ये भी देखिए एकदम सोच सोच हो गया टेढ़ टेढ़ था से। तो उसे सब्जी बना रहे थे ना उसे पहले छान के रख देते हैं, उसे डिया में रख देंगे थोड़ी खराब होगा, तो कितने दिन खा सकते हैं। इधर साइड में सब्जी सब काट दिए हैं, इधर प्याज, हमारे दो साइड एक जो है ना नीम मिक्सर का पैकेट को लेकर चल रहे हैं खाने के लिए। मिक्सर का पैकेट बेटा आपको पापा लेके आए हैं, रखे थे तो वहाँ से उठा लिए। अभी नहीं बेटा, अभी आपके लिए भुजिया रोटी तैयार कर दे रहे हैं। खाने रोटी खाने बाद खाना आपको भी नहीं मिलेगा। तो सुबह का खाना निकल गया है और क्या क्या निकाले हैं अभी बताएंगे। आज डायरेक्ट बना दिए खाना क्योंकि रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा था, और आज का भी रोटी तो बचा हुआ है, उसी डायरेक्ट चावल ही बना देते हैं। और आज बना है चावल, दाल, चोखा, सब्जी जो हम तोड़ के घर का तोड़े सब्जी, और चिप्स और चरौरी। तो आज ये हमारा सुबह का खाना हो गया है। सुबह 10 बज गया है, समझिए कि ज्यादा लेट भी हो गया खाना हम लोग को बनाने में। और मेन बाबू चोखा हमको बनाना पड़ा है कि सब्जी सब्जी बाबू तो खाते नहीं है, बहुत तीखा हो जाता है डुगू के लिए, तो चोखा बना दिए। बेचारे उनको भी कुछ खिलाते हैं, कुछ खिलाए हैं लेकिन फिर भी अभी कुछ खिलाते हैं, दाल भात चोखा। दोस्तों सारा रूम ना एकदम बिखरा पड़ा हुआ है, इधर से उधर सामान हुआ है, ये तो सिर्फ रूम का हाल रहा, रही बाहर का तो बाहर में कुछ कम नहीं है। देखिए बोतल झाड़ू सब कुछ है फेंका हुआ है, डोगों का बदमाशी कभी कम होता नहीं है। और अभी जो है हमारे घर में पानी खत्म है और अभी कभी नींद आ रही है, तो ये देखिए अभी कैसे सो रहे हैं। और अभी हमको जाना है पानी लाने के लिए, तो पानी लाने के लिए ना मैंने जार भी ले लिया है, तो यहाँ रहा जार, गाड़ी बांध दिए हैं। और अभी डोगों के लिए हम गेट खोले थे, वो भाग गए गेट के बाहर, गाड़ी यहाँ खड़ा किए हैं, दौड़ दौड़े भी आ रहे हैं। हाथ में क्या लिए हैं, ये रांची कचरा ना है उसके मत उठाइए, गंदा है, कुछ न कुछ उठा लेना है इनको। यहाँ आते हैं इनका बदमाशी शुरू हो गई, देखिए ये पानी निकल जाएगा, खुल नहीं रहे हैं सिंदल, अब यहाँ नहीं खुला तो वहाँ गए हैं, वहाँ गिर जाएगा पानी, फिर हाथ धोना है बिल्कुल। ये लड़का भागो जल्दी से, पानी अच्छा नहीं है, पीने वाला नहीं पानी, पीने वाला नहीं है। यहाँ आते हैं ना पूरा नल खोलने लगते हैं, इधर पानी गिरता है बहाने लगते हैं, और यहाँ ना जार धोने वाला पानी है और यहाँ पर पानी पीने वाला रहता है। मतलब जब भी पानी लाना है ना तो इनको साथ लेकर जाना है, रोने लगते हैं। ऐसे में ना पीछे यहाँ पर पानी बांध लेते हैं, इनको आगे यहाँ बैठा लेते हैं, फिर ले आते हैं। और ये गेट खुला भी। दोस्तों हो गई शाम और अभी जो है दो साथ गेंद खेल रहे हैं इधर, और इधर साइड में बैठ गया रूबी। और ये आज ना माइका से कुछ सामान आया था वो दिखलाने वाले हैं। हाँ दोस्तों, हम आपको बोले थे ना कि हम आपको कुछ गिफ्ट दिखाने वाले हैं जो हम नहीं दिखा पाए थे, और ये गिफ्ट ना एनिवर्सरी के बहुत पहले आ गया था लेकिन हम उसमें पहन नहीं पाए थे क्योंकि हम उसमें चले गए थे मंदिर, और उसके बाद हमारा फिर बरसा मित्र पूजा था तो उसमें बहुत बिजी हो गए थे, तो सोचे कि चलिए आपको बाद में दिखा देंगे, क्योंकि जब भी कुछ आता है मायके से हम आपको जरूर दिखाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या दिए हैं, और ये कहीं से नहीं बल्कि भाभी ने दिए हैं मुझे गिफ्ट। तो ये रहा वो खूबसूरत सा तोहफा जो मेरे लिए भेजे हैं, और अभी ऐसे हम देखे हैं खोल करके लेकिन हम आप सबको नहीं दिखाए थे, सोचे एक बार आप सबको दिखा देते हैं, क्योंकि तो कभी ऐसा ओकेजन आया पहनने के लिए तो आप सब बोलेंगे ये पहले कब खरीदे कब नहीं, ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे बट कुछ लोग नहीं बोलेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या क्या है। ये रहा जो गला में सटने वाला ये नेकलेस है, जो गले में पूरा चिपक के जो पहनते हैं ना वो चिपकाने वाला है, और ये नेकलेस ना बस पहले हम देखे थे शादी में एक बार पहने थे हम, फिर ऐसा हमको मौका नहीं मिला पहनने के लिए, था नहीं मेरे पास तब नहीं पहने थे, और ये इतना महंगा मुझे खरीद के भी नहीं दिए क्योंकि ये बोलते तुम सिंपल और ठीक लगती हो। उसके बाद ये है उससे बड़ा हार है जो यहाँ तक आएगा, ये रहे हमारे मांग टीका, और ये है वो प्यारा सा कमरधनी जो कि आप देखे थे हम पहने थे बट सावित्री पूजा में, मुझे बहुत बहुत पसंद आया था ये कमरधनी, बहुत खूबसूरत है ये। और ये रहे कान के बाली। हाँ एक और चीज वो हमको भूल गए दिखाना, इसके साथ मैंने एक सुंदर सा प्यारा सा रिंग भी है, ये है वो खूबसूरत सा रिंग जो कि मुझे बहुत बहुत प्रिटी लगा,
और साथ में है ये हमारा नथिया। पता है ये नथिया मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था जब हम पहली बार देखे थे ये नथिया, तो मुझे बहुत बहुत पसंद आया था। तो दोस्तों अभी का करके ना हम आपको पहन कर दिखाते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। फिर दोबारा दुल्हन बनने का मौका मिल रहा है सपनों में, समझिए तो हकीकत ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि ज्यादा हम रेडी कभी होते नहीं है वैसे भी। तो सबसे पहले हम क्या पहने, ये छोटा वाला हार पहनते हैं। अभी वो पहन कर दिखाते हैं, है ना खूबसूरत दिख रहा है ना। और इस ये छोटा वाला जो गले में है और उसके बाद थोड़ा सा ये बड़ा आएगा। अगर सच में ये रियल में हो जाता सोने का तो कैसा लगता देखने में, कुछ तो बोल दीजिए। हो गया बाबा, हो गया ना। हाँ, खूबसूरती में चार चांद लग गई। अब ये रहा रिंग, पूरा तो सेट आया था ना, पूरा सेट ही भेजे। और ये रहा हमारा कमर धनी, भी पहन लेते हैं थोड़ा सा, जब दिखा रहे तो अच्छे से दिखाते हैं। ये पता ये मुझे ज्यादा प्रिटी लगा था, ये कमर धनी पहन लिए हैं और मांग टीका भी लगा रहे हैं। ये होता है ना मतलब, अरे चिपकने वाला नहीं है ना, रुक जाइए एक सेकंड। आज ऐसा लग रहा है ना इनको तैयार होकर कहीं जाना है इसलिए एकदम तैयार हो रहे हैं। क्या बात है, कहीं प्लान है क्या घूमने का? नहीं बस ऐसे थोड़ा सा रेडी हो गए, हमेशा तो होते नहीं है, कभी कभी रेडी हो जाते हैं। ये रहा नथिया। तो ये जो है श्रृंगार पट्टा एकदम करके तैयार हो गए हैं, इनका लुक भी देखे पहले से कुछ बदल सा गया है। कैसा लग रहा है बेटा? तो नथिया बहुत ही बार पहने हैं ना हमने, बार सावित्री पूजा में सेकेंड बार पहने थे और इस बार मेरा फोर्थ था। अरे मुंह के पास आ जा रहा है, ये यही आता है, इन्होंने इसे ही बड़ा होता है नाक का नथिया। बेटा नहीं गलो, क्या दोनों मार बैठे चल रहा है, इनको पता ही नहीं, उठा उठा के बाहर फेंक देंगे, गारंटी नहीं। ले हो गया। तो दोस्तों ये जो हमारा लुक है आपको कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइएगा। मुझे पता है कुछ लोग तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे बट मुझे दिखाना जरूरी था और ये मुझे अच्छा भी लग रहा था। तो प्लीज मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इतना सुंदर सा भाभी की तरफ से तोहफा आएगा अभी मायके से, तो इसलिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। और सबसे खूबसूरत ये मेरा कमर धनी जो कि हम एक बार पहन चुके हैं, तो सोचे क्यों ना आप सबको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि क्या क्या मुझे वहाँ से आया था। और हमेशा ससुराल से ही मिला, इस बार मायके से ही मिला और पतिदेव जी ने मुझे बहुत अच्छा दिया, कपड़े वगैरह जो भी बन पाया ये किए। और आज ये देख के बहुत मजाक ही मेरा उड़ा, देखिए यहाँ बैठे हुए हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मजाक नहीं उड़ा रहे। ये कह रहे हैं कि अब बहुत दिन बाद फिर से दुल्हन बन गई है और अच्छी भी लग रही है। इतना तो हम अपने वर्ष सावित्री पूजा में रेडी नहीं हुए थे और अपने भाई की शादी में रेडी नहीं हो पाए थे डुगू की वजह से, और इस बार डुगू थोड़ा सा पहले समझदार हो गए, अभी वो खेल रहे हैं। तो मैं सोची थी फटाफट से आप सबको दिखा दूं। तो ये रहा मेरा सुंदर सा प्यारा सा लुक जो आप सबको पसंद आया होगा, और आप सब कमेंट में जरूर बताइए कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कोशिश किया है इस लुक को थोड़ा सा अलग देने के लिए, मैं चाहती तो और भी सुंदर से तैयार हो सकती थी बट मैं सिंपल रेडी हुई हूँ। कभी वैसा ओकेजन आएगा तो मैं अच्छे से रेडी होकर आप सबको दिखाऊंगी, और ये वो नेकलेस ही पहन कर दिखाऊंगी जो इतना प्यारा इतना प्रीटी सा है। भाभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और मेरे मायके कभी मम्मी को सबसे पहले प्रणाम क्योंकि मम्मी की वजह से ये सब हो पाया है, और मम्मी भी अपने घर में बहू इतनी प्यारी लाई है जो भाभी की वजह से इतना खूबसूरत सा मुझे तोहफा मिला। थैंक यू सो मच भाभी, शायद आप सबको ये बहुत पसंद आया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर ले, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।